दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। जमीन में समाते जोशीमठ को देखते हुए धामी सरकार का बड़ा फैसला, उत्तराखंड के पर्वतीय शहरों में क्षमता से ज्यादा होने वाले निर्माण के कार्यों पर रोक लगाई। जोशीमठ में नई दरारों से दहशत, कई होटल में दरारें दिखी और सड़कों की जमीन धंसी, इमारतों के गिरने का खतरा। जोशीमठ में जमीन धंसने की घटनाओं पर पीएम मोदी की भी नजर, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात कर जानकारी ली। जोशीमठ में जमीन धंसने के संकट पर उत्तराखंड सरकार की कमेटी की सिफारिश, प्रभावित लोगों को शिफ्ट किया जाए। दहशत में आए जोशीमठ के लोग प्रशासन के दफ्तरों में दे रहे हैं धरना, अंधाधुंध निर्माण को बताया खतरे की वजह। उत्तरकाशी के बड़कोट में भी जमीन धंसने से दहशत, इलाके के 35 से ज्यादा मकानों में आई दरारें, लैंडस्लाइड के बाद से खेत और घरों में पड़ रही है दरारें। जमीन में धंसता शहर जोशीमठ पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने चिंता जताई, कहा जोशीमठ के लोगों को दूसरी जगह बसाया जाए और बद्रीनाथ की तरह मुआवजा मिले। आज एनडीआरएफ की टीम करेगी जोशीमठ का दौरा, 7 संस्थानों के विशेषज्ञों की टीम करेगी रिसर्च। गुजरात के सूरत में एक मासूम बच्ची और एक महिला को कुत्ते ने काटा बुरी तरह, जख्मी बच्ची अस्पताल में एडमिट, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। यूपी के औरैया में भीषण सड़क हादसा, घने कोहरे की वजह से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर आपस में टकराई कई गाड़ी। पेपर लीक केस में जयपुर में बड़ा एक्शन, मुख्य आरोपी के कोचिंग सेंटर पर चला प्रशासन का बुलडोजर। यूपी के उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर बस ने ट्रक को टक्कर मारी, हादसे में 4 लोगों की मौत, 12 से ज्यादा हुए घायल। इंडिगो फ्लाइट में एयर होस्टेस से बदसलूकी के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, कल दिल्ली पटना इंडिगो फ्लाइट में 3 लड़कों ने किया था भारी हंगामा। पंजाब के जालंधर में बैंक लुटेरों से मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी की मौत, 3 बदमाश गोली लगने से घायल। यूपी के हापुड़ में स्कूल बस और ट्रक में भीषण टक्कर, हादसे में 6 से ज्यादा बच्चे घायल। दिल्ली के उखला फेस 1 की फैक्ट्री में आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, मौके पर भेजी गई थी दमकल की 16 गाड़ी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में अवैध कोयला खदान धसी, कोई हताहत नहीं, आसपास के गांव में पुलिस कर रही है जांच। यूपी के बागपत में सांप मारने और उसका वीडियो बनाने के बाद 2 समुदायों के बीच तनाव, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। वाराणसी में सिगरा स्टेडियम की दीवार गिरी, मलबे में दबी कई गाड़ियां, स्टेडियम में चल रहा था कंस्ट्रक्शन का काम। वाराणसी के टेंट सिटी का पहला लुक आया सामने, 15 जनवरी से गंगा किनारे बसे इस शहर की शुरुआत होगी, 5 स्टार होटल जैसी सुविधा देने का वादा, पर्यटकों को 8,000 से 51,000 तक करने होंगे खर्च। उत्तर भारत पर ठंड का प्रचंड प्रहार, कानपुर में 24 घंटे में 16 लोगों ने दम तोड़ा, कोहरे की वजह से हादसों में भी गई कई लोगों की जान। जमा देने वाले तापमान के साथ द्रास में लगातार हो रही है बर्फबारी, द्रास में तापमान -17 रिकॉर्ड किया गया। कश्मीर के कुपवाड़ा की करनाहा घाटी में बर्फबारी, उत्तरी कश्मीर के इलाकों में आज बर्फबारी होने की संभावना, गुलमर्ग में हो रही है भारी बर्फबारी। केदारनाथ धाम को और बर्फबारी का इंतजार, हर साल की अपेक्षा यहां इस बार कम बर्फबारी, हर साल जमी रहती थी 5 फीट तक बर्फ, अभी सिर्फ पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर जमी। आम आदमी पार्टी का बीजेपी हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन, बीजेपी और एलजी पर एमसीडी के नियमों को तोड़ने का आरोप है। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, नगर निगम सदन में हुए हंगामे और पार्षदों की शपथ न हो पाने का विरोध कर रहे हैं। जेडीयू नेता ललन सिंह का बड़ा बयान, कहा नरेंद्र मोदी नहीं नीतीश कुमार पीएम बनने के योग्य, पहली बार जेडीयू अध्यक्ष की ओर से इस तरह का बयान आया। पीएम पद के लिए नीतीश की दावेदारी पर सुशील मोदी का प्रहार, एबीपी न्यूज से कहा नीतीश कुमार का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, आज अंबाला पहुंचेगी, राहुल ने कहा कि यात्रा से बहुत कुछ सीखने को मिला है। राहुल के बयान पर बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा का पलटवार, बोले जमानत पर बाहर राहुल तपस्वी होने का ढोंग कर रहे हैं।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में हिंदुओं का आरोप, रात को घरों पर अज्ञात लोगों ने की पत्थरबाजी, लोगों में दहशत, पुलिस ने मौके का जायजा लिया, लोगों ने की सुरक्षा की मांग। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मिला आईईडी, सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज किया, बुढ़ाल इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान मिला आईईडी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, पुलिस ने एक मकान से 3000 डेटोनेटर, 800 जिलेटिन की छड़ें और 2 बैग अमोनियम नाइट्रेट बरामद किए। राजस्थान के अलवर में दलित समुदाय पर अटैक का विवाद बढ़ा, हिंदू संगठनों ने निकाला जुलूस, हमले को बताया सोची समझी साजिश। शिजान खान की जमानत याचिका पर आज सुनवाई, शिजान पर टुनिशा शर्मा को उकसाने और धर्म बदलने के लिए मजबूर करने के आरोप लगे। आईसीआईसीआई बैंक से जुड़े लोन फ्रॉड केस में चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को मुंबई हाईकोर्ट ने जमानत दी, अदालत ने कहा गिरफ्तारी कानून के अनुसार। एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुई निधि, मीडिया से बचने के लिए मुंह छिपाकर घर के अंदर घुसती हुई दिखाई दी। अंजलि की दोस्त निधि पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, गांजा केस में जारी हो सकता है गैर जमानती वारंट, निधि के वकील ने केस से किनारा किया। दिल्ली के गंझावला केस में आया नया मोड़, बीती रात अंजलि के घर का ताला टूटा, अंजलि के परिवार वालों ने इस घटना के लिए निधि को बताया जिम्मेदार। दिल्ली के अंजलि केस में गिरफ्तार 6 आरोपियों की आज रोहिणी कोर्ट में पेशी, इन आरोपियों की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है। अंजलि के परिवार का आरोप, केजरीवाल सरकार से अब तक नहीं मिली कोई मदद, केजरीवाल सरकार 10 लाख की मदद सैंक्शन कर चुकी है। पीएम मोदी प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल हुए, 70 देशों से आए हजारों प्रतिनिधियों को संबोधित किया, कहा विकास में प्रवासी भारतीयों का बड़ा योगदान, प्रवासियों को बताया राष्ट्रदूत। इंदौर में हो रहे प्रवासी भारतीय दिवस आयोजन में इस बार करीब 70 देशों के 3500 से ज्यादा प्रतिनिधि इंदौर पहुंचे, कोरोना की वजह से लंबे अरसे के बाद ये आयोजन हो रहा है। पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने को लेकर वित्त मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने बुलाई बैठक, दोपहर 3 बजे मीटिंग। सर्दियों में बढ़ जाता है हार्ट अटैक का खतरा, बुजुर्ग लोगों को खतरा ज्यादा, डॉक्टर्स की सलाह सूर्योदय से पहले सुबह की सैर से बचें। भारत में कोरोना की रफ्तार पर लगा ब्रेक, पिछले 24 घंटे में 163 नए मामले सामने आए, एक्टिव केस भी घटकर हुए 2423। पुणे में एक अस्पताल के उद्घाटन समारोह में पहुंचे सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला, कहा हर कोई भारत की तरफ देख रहा है। कोरोना को लेकर डब्ल्यूएचओ की ओर से बड़ी चेतावनी, ओमिक्रॉन के एक्सबीबी 1.5 वेरिएंट को कोरोना का सबसे खतरनाक सब वेरिएंट बताया। समान नागरिक संहिता पर मेघालय में बीजेपी गठबंधन सरकार में दो फाड़, मुख्यमंत्री कोनराड संगमा बोले राज्य को मंजूर नहीं यूसीसी पर बीजेपी की नीति। भारतीय सेना की कई सेवाएं आउटसोर्स करने पर विचार कर रही है केंद्र सरकार, ट्रेनिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर आईएमए जैसे संस्थानों से एक्सपर्ट्स लाने की तैयारी। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों को दी हिदायत, चैनल बिना सोचे समझे दिखा रहे हैं विचलित करने वाले दृश्य, वीडियो दिखाने से पहले बरती जाएं सावधानियां। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 847 अंकों की तेजी के साथ 60,747 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 242 अंकों की तेजी के साथ 18,101 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकल रही भारत जोड़ो यात्रा आज कुरुक्षेत्र से शुरू होकर अंबाला पहुंच गई। आज की यात्रा महिला शक्ति के नाम रही, किसान नेता राकेश टिकैत ने भी राहुल गांधी से मुलाकात की, तो क्या कुछ खास रहा आज यात्रा में देखते हैं इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी ने आज सुबह 6 बजे हरियाणा के कुरुक्षेत्र से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। आज की यात्रा का दिन महिलाओं के नाम रहा, आज यात्रा में महिलाएं शामिल हुई जो राहुल के साथ कदम ताल करती दिखी। आज यात्रा में महिलाओं की भागीदारी को लेकर राहुल ने कहा, हमारे देश की महिलाओं का स्वतंत्र भारत के निर्माण में बड़ा योगदान है, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में हो, संविधान रचना में हो या जनसेवा के पद पर एक राजनीतिज्ञ के रूप में हो। आपको बता दें ये यात्रा पानीपत, करनाल और कुरुक्षेत्र को कवर कर चुकी है और अंबाला की ओर बढ़ चुकी है। कुरुक्षेत्र में कल देर शाम राहुल गांधी ने ब्रह्म सरोवर पर तीर्थ पूजन और महाआरती में हिस्सा लिया था। आज राहुल गांधी से किसान संगठनों ने मुलाकात की, राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसान नेता राहुल से मिलने पहुंचे। टिकैत ने राहुल गांधी से कांग्रेस सरकार वाले राज्यों में किसानों की समस्याओं को लेकर बातचीत की। टिकैत ने छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल में ऐसा मॉडल बनाने की मांग की जिससे देश में एक सकारात्मक संदेश
की जाए। साथ ही राजस्थान में किसानों की जमीन की नीलामी ना हो, छत्तीसगढ़ में नए रायपुर के मुद्दे को सुलझाने और हिमाचल में सेब के कारोबार के बारे में बात की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पूरे देश में भाईचारा बढ़ रहा है, नफरत का माहौल खत्म हो रहा है। हरियाणा में यात्रा को अपार जन समर्थन मिला है, अब पंजाब में भी पूरा जन समर्थन मिलने की उम्मीद है। यात्रा को लेकर राहुल गांधी ने उत्साहित कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है। भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे जन समर्थन ने किसान नेता राकेश टिकैत को भी राहुल गांधी का मुरीद बना दिया है। तो वहीं यात्रा की कामयाबी बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। खतरा तो इस वक्त जोशीमठ पर भी मंडरा रहा है। कभी भी जोशीमठ में बड़ी अनहोनी हो सकती है। आज जोशीमठ को लेकर सरकार ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। जोशीमठ के अस्तित्व पर उठ रहे सवालों को उस वक्त और बल मिल गया है जब आज सरकार ने जोशीमठ को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया। तो क्या अब डूबने वाला है जोशीमठ? खबरों की माने तो अब 603 मकानों में दरारें आ चुकी हैं और लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। अभी तक 70 परिवारों को वहां से हटा दिया गया है, बाकियों को हटाने का काम जारी है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो रिलीफ कैंप में चले जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन कर जानकारी ली थी। सीएम धामी की माने तो पीएम मोदी ने जोशीमठ को लेकर कई तरह के सवाल पूछे, जैसे कितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं, कितना नुकसान हुआ, लोगों के विस्थापन के लिए क्या किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। पीएमओ में हुई बैठक के दौरान एक्सपर्ट्स ने जोशीमठ में बड़े खतरे की आशंका जाहिर की है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्लास्टिंग और शहर के नीचे सुरंग बनाने की वजह से पहाड़ धस रहे हैं। अगर इसे तुरंत नहीं रोका गया तो शहर मलबे में बदल सकता है। एक्सपर्ट सुखवीर सिंह संधू ने कहा कि हमारी कोशिश है कि बिना किसी नुकसान के लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कराया जाए। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक ये पता लगाने में लगे हैं कि लैंडस्लाइड्स को कैसे रोका जा सकता है। जल्दी समाधान ढूंढ लिया जाएगा, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाने शुरू कर दिए गए हैं। हालांकि अभी तक के हालात को देखते हुए लोगों को डेंजर जोन से निकालना ज्यादा जरूरी है। ऐसे में एक्सपर्ट्स की चिंता जाहिर है कि जोशीमठ पर बड़ी आफत आने वाली है। साथ ही इस वक्त जोशीमठ पर टूटी आफत सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। जोशीमठ पर कभी भी बड़ी आफत टूट सकती है, सरकार को भी इस बात का अंदाजा हो गया है। ऐसे में आने वाले वक्त में बीजेपी सरकार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। इधर गुजरात और उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने से संबंधित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। यूसीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश बीजेपी सरकार के लिए कितनी बड़ी राहत लेकर आया है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। गुजरात और उत्तराखंड सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने समान नागरिक संहिता कानून को पेश करने और लागू करने के लिए समितियों का गठन करने के उत्तराखंड और गुजरात राज्यों के फैसलों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जहां याचिकाकर्ताओं के लिए झटका माना जा रहा है, तो वहीं राज्य सरकारों के लिए राहत माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के परीक्षण के लिए कमेटी का गठन राज्य सरकार के दायरे में होना चाहिए। कमेटी का गठन ही अदालत में चुनौती देने का आधार नहीं है। सुनवाई के दौरान सीजीआई डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि उन्होंने अनुच्छेद 162 के तहत कार्यकारी शक्तियों के तहत एक समिति का गठन किया है, इसमें गलत किया है। या तो आप याचिका वापस लें या हम इसे खारिज कर देंगे। किसी कमेटी के गठन पर ही संविधान के विपरीत कहते हुए याचिका दाखिल नहीं की जा सकती। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने राज्य सरकार को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने बीजेपी सरकार को बड़ी राहत दी है। तो वहीं पूर्व सैनिकों की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को बड़ा झटका दिया है। तो क्या कहा है देश की सर्वोच्च अदालत ने वन रैंक वन पेंशन को लेकर, देखते हैं इस रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आज पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए केंद्र को सशस्त्र बलों के सभी पात्र पेंशन भोगियों को वन रैंक वन पेंशन के तहत सभी बकाया का भुगतान करने के लिए 15 मार्च तक का समय दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने केंद्र से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि ओआरओपी के तहत सभी बकाया राशि का भुगतान जल्दी किया जाए। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने पूर्व सैनिकों के संघ को एक आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी और कहा कि अगर वो ओआरओपी के बकाये के भुगतान पर केंद्र की किसी भी कार्रवाई से असंतुष्ट महसूस करते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल और बैंकट रमणी ने कहा कि 15 मार्च तक सशस्त्र बलों के 25 लाख पेंशन भोगियों के खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। पिछले महीने सरकार ने सशस्त्र बलों के सभी पात्र पेंशनरों को ओआरओपी योजना के बकाए के भुगतान के लिए 15 मार्च 2023 तक समय बढ़ाने के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया था। बता दें कि शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को ये दूसरा विस्तार दिया है।
आपको बता दें कि इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट समेत याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने पीठ को बताया कि लगभग 4 लाख पेंशन भोगी पेंशन का इंतजार करते हुए अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछली सुनवाई में कहा गया था कि बकाया का भुगतान 1/7/2019 तक किया जाना था, जिसका पालन करने में केंद्र सरकार विफल रही है। इसके बाद 16/3/2022 के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 3 महीने के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था और 17/7/2022 को कोर्ट ने केंद्र को 3 महीने का और समय दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत दी है और मोदी सरकार को जल्द भुगतान करने का आदेश दिया है। और अब बात तमिलनाडु विधानसभा में आज हुए बवाल की। तमिलनाडु विधानसभा में जमकर ड्रामा देखने को मिला। भारी हंगामे के बीच गवर्नर R.N. रवि को सदन से वॉकआउट करना पड़ा। गवर्नर के वॉकआउट के बाद CM स्टालिन ने कहा कि रिकॉर्ड में सिर्फ वही भाषण जोड़ा जाए जो सरकार ने तैयार किया है और गवर्नर ने जिन बातों को जोड़ा है उन्हें रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया जाए। आखिर क्यों सरकार और गवर्नर आए आमने सामने, देखते हैं इस रिपोर्ट। तमिलनाडु में विधानसभा सत्र का आज पहला दिन था और परंपरा के अनुसार पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, लेकिन इस अभिभाषण के दौरान विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के चलते राज्यपाल R.N. रवि अभिभाषण प्रस्ताव पूरा नहीं पढ़ सके और सदन से वॉकआउट कर गए। दरअसल सत्ताधारी DMK के सहयोगी दल कांग्रेस विदुथलाई चिरुथिगाल काजी के विधायक राज्यपाल की उस टिप्पणी को लेकर नाराज थे, जिसमें उन्होंने राज्य का नाम तमिलनाडु के बजाय तमिझगम को बेहतर बताया था। इसके खिलाफ सत्ताधारी पार्टी के विधायकों ने नारेबाजी करते हुए कहा, ये नागालैंड नहीं है, ये प्राउड तमिलनाडु है। यहाँ BJP और संघ की विचारधारा को नहीं थोपा जा सकता। राज्यपाल ने जैसे ही भाषण शुरू किया वैसे ही सत्ताधारी दल के विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। विधायक तमिलनाडु हमारी भूमि है के नारे लगा रहे थे। दरअसल ये सत्र राज्यपाल के साथ चल रहे सरकार के टकराव के बीच शुरू हुआ है। राज्य विधानसभा से पारित 21 विधेयकों को राज्यपाल ने ना तो मंजूरी दी और ना ही उन्हें लौटाया है, जिस कारण से सरकार और राज्यसभा के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। DMK के सांसद TR बालू ने राज्यपाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें BJP के दूसरे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य करना बंद कर देना चाहिए। राज्यपाल भ्रम, अलगाव और संघर्ष पैदा करने के लिए रोज कुछ विवादित टिप्पणियां करते रहते हैं। राज्यपाल कहते हैं कि द्रविड़ ने राजनीति के 50 सालों के दौरान लोगों को धोखा दिया है। राज्यपाल का ये बयान बहुत निंदनीय है। अगर उन्हें ये बयान देना है तो राजभवन से नहीं BJP के प्रदेश मुख्यालय कमला लायम से देना चाहिए। तमिलनाडु विधानसभा के सदन में हुआ यह हंगामा आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। इधर BJP सांसद वरुण गांधी ने भी अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। UP में गन्ना किसानों के बकाए भुगतान को लेकर वरुण गांधी ने योगी सरकार के खिलाफ बड़ा ऐलान कर दिया है। तो अब क्या करने वाले हैं वरुण गांधी, देखते हैं इस रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी BJP की आंख की किरकिरी बने हुए हैं, जिसकी वजह है उनका अपनी ही सरकार की मुखालफत करना और किसानों के हक में अपनी आवाज बुलंद करना। ऐसे में अब वरुण गांधी ने गन्ना किसानों के लिए अपनी आवाज उठाते हुए सरकार को अल्टीमेटम दिया। पीलीभीत क्षेत्र के सांसद वरुण गांधी ने कहा, या तो चीनी मिले किसानों को गन्ने के बकाए का भुगतान करें या फिर वो प्रदर्शन का सामना करने के लिए तैयार रहें। अपने संसदीय क्षेत्र के बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र के अरसिया बोझ गाँव में एक जनसंवाद कार्यक्रम में सांसद वरुण गांधी ने कहा कि चीनी मिले किसानों का भुगतान तुरंत करें, नहीं तो वो इन मिलों के गेट पर सभा करेंगे। वरुण गांधी यहीं नहीं रुके, उन्होंने साथ ही बेरोजगारी का भी मुद्दा उठाया। इस मुद्दे पर घेरते हुए उन्होंने कहा, 1 करोड़ सरकारी पद खाली पड़े हैं, सरकार को ये पद भरने चाहिए, इस काम में हम मदद करने को तैयार हैं। इसके अलावा किसानों ने सांसद के सामने आवारा पशुओं का मुद्दा उठाया और कहा कि आवारा पशु फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस पर गांधी ने कहा कि सरकार और प्रशासन को इस समस्या का जल्द समाधान करना चाहिए। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब वरुण गांधी ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हो। इससे पहले भी वो कई बार सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा चुके हैं। यही वजह है कि अटकलें हैं कि वरुण गांधी जल्द ही BJP का दामन छोड़ सकते हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात आज हुए प्रवासी सम्मेलन की। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 चल रहा है। आज इस सम्मेलन में PM मोदी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने प्रवासियों को विदेशी धरती पर भारत का ब्रांड एम्बेसडर कहकर संबोधित किया। साथ ही उन्होंने भारत की सफलताएं भी गिनाई। इस सम्मेलन में 70 देशों से 3,500 से अधिक प्रवासी भारतीय हिस्सा ले रहे हैं। ये तस्वीरें उस मंच की है जहां जुड़े हैं 70 देशों के 3,500 से अधिक प्रवासी भारतीय, जो विदेशों में रहकर भी देश की मिट्टी को नहीं भूले हैं। यही वजह है कि जब देश में 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया
तो हजारों की तादाद में दिग्गज इससे जुड़े। इसी कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भी शिरकत की और सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इस सम्मेलन में 70 देशों के प्रवासी भारतीय शिरकत कर रहे हैं। करीब 4 वर्षों बाद प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन एक फिर से अपने मूल स्वरूप में हो रहा है। ये सम्मेलन मध्य प्रदेश की उस धरती पर हो रहा है जिसे देश का हृदय कहा जाता है। मध्य प्रदेश में मां नर्मदा का जल, यहां के जंगल, आदिवासी परंपरा और यहां का आध्यात्म आपकी यात्रा को अविस्मरणीय बनाएगा। इसी के साथ ही पीएम मोदी ने महाकाल आने की अपील की। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कहा कि प्रवासी भारतीय दिवस कई मायनों में काफी खास है। अभी कुछ महीने पहले ही हमने भारत की आजादी के 75 साल मनाए हैं। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम की प्रदर्शनी लगाई गई है। देश अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। भारत की वैश्विक दृष्टि को मजबूती मिलेगी। भारत की ताकत आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है, इसलिए भारत के प्रति जिज्ञासा बढ़ेगी, इसलिए प्रवासी भारतीयों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। मैं इनको विदेशी धरती पर भारत का ब्रांड एम्बेसडर कहता हूँ। पीएम मोदी के साथ साथ गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गुयाना सबसे तेजी से विकसित हो रहा है। यहाँ की GDP 9.5% है। गुयाना के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से भारत में निवेश के लिए तैयार हैं। फूड, हेल्थ, ऊर्जा में गुयाना आगे बढ़ रहा है। इसमें भारत उसका सबसे भरोसेमंद सहयोगी है। गुयाना भारत की तरह सांस्कृतिक कल्चर वाला देश है। यहाँ कई राष्ट्रीय त्योहार मनाए जाते हैं। आज इस कार्यक्रम को कई दिग्गजों ने संबोधित किया। अब देखना होगा कि इससे देश को कितनी ताकत मिलती है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही।